राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज बहुत ही कम समय में एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे कि लोग आत्महत्या क्यों करते हैं और इसे हम कैसे रोक सकते हैं। हमारे देश की सरकारें, हमारा समाज लगातार इसका निरंतर प्रयास करता रहता है कि हम इस आत्महत्या को रोक सकें, चाहे वो विद्यार्थी का द्वारा किया गया आत्महत्या हो, चाहे वो किसान के द्वारा किया गया आत्महत्या हो, या किसी भी और व्यक्ति के द्वारा की गई आत्महत्या हो। इसे हम अपराध भी मानते हैं। फिर ऐसी कौन सी वजह है कि इंसान अपनी जान देने को तैयार हो जाता है? क्या आपने आज तक इस पृथ्वी पर रहने वाले किसी भी दूसरे जीव को आत्महत्या करते हुए देखा है? नहीं ना। फिर इंसान, जिसे हम इतना समझदार मानते हैं, वो अपने जीवन की कीमत को कैसे नहीं समझता है और क्यों आत्महत्या करता है? इसका उत्तर है सफलता और असफलता में। देखिए मित्रों, जब सफलता मिलती है तो वो अपने साथ दो चीज़ें लेकर के आती है। पहला है उत्साह और दूसरा है अहंकार। जब कभी अहंकार बढ़ जाता है तो वो कहीं ना कहीं हमें फिर से हाशिए या असफलता की ओर ले जाता है। और असफलता जब आती है तो वो अपने साथ दो चीज़ें लेकर के आती हैं। पहला है आपके लिए एक महत्वपूर्ण जीवन की सीख, जिसे सीख करके आप अपने जीवन में बदलाव कर सकते हो, आप सफलता पा सकते हो। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें मिलता है अवसाद यानी डिप्रेशन। जब भी हम अपने जीवन को किसी एक लक्ष्य के साथ बांध लेते हैं और उस लक्ष्य की प्राप्ति अगर हमें नहीं होती है तो कहीं ना कहीं यह अवसाद का रूप लेता है। ये एक निगेटिव कॉम्पिटिशन का भी रूप ले लेता है और इसी के कारण लोग गलत कदम उठाते हैं। तो महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप अपने जीवन को किसी एक लक्ष्य के साथ बांधिए। आप अपने जीवन की कीमत को समझिए और जीवन के पल पल को उत्साह के साथ जिए और निरंतर अपने अंदर प्रयास करिए निखार लाने का। कोशिश करिए कि आप दूसरों से सर्वश्रेष्ठ बनने के बजाय आप जो हैं उसी का सर्वोत्तम रूप आप बन सकें। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका जीवन उत्साह से भरा हुआ होगा। तो मित्रों, कभी भी अपने जीवन को किसी एक लक्ष्य के साथ ना बांध करके अपने जीवन को हमेशा उसकी कीमत को समझिए और अच्छे से जिए। अपनों के महत्व को समझिए और अपने आसपास सभी लोगों से चर्चा करिए, बातचीत करिए। बात करने से बात बनती है। तो अगर बात नहीं होगी तो बात बिगड़ेगी जरूर। बात करिए और कोशिश करिए कि आपके आसपास हो रहे इन हादसों को हम रोक सकें। धन्यवाद। राधे राधे।